हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 31 कंप्लीट हुआ था, है ना। तो आज हम लेक्चर नंबर 32 करने वाले हैं और लेक्चर नंबर 32 में हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स का जो अभी शुरुआत कर रहा था लेक्चर नंबर 31 में, उसको आगे हम बढ़ाएंगे, है ना। तो आज हम करने वाले असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, कुछ ऐसे रूल्स जिसको अगर मान लेते हैं इंडिया छोड़कर कोई जा रहा है या फिर प्रीवियस ईयर का टैक्सेशन प्रीवियस ईयर में ही पे करने का कोई क्या प्रावधान है, इसका मतलब रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो पढ़ेंगे, है ना। और उसके साथ साथ रेसिडेंशियल स्टेटस और नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है इसकी जानकारी भी लेंगे। देखो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी हम सैलरी वैलरी में जाएंगे। उसके फिर एग्रीकल्चर इनकम हो सकता है हम नेक्स्ट क्लास में देखें, या देखते हैं आज टाइम बचेगा तो आज ही कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं बेसिकली, चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहाँ क्लास में। एक चीज और डाउट आ रहा था सबको कि भाई बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि सर आप कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ना तो क्या यूट्यूब छोड़ देंगे। अरे भाई, यूट्यूब में कंटिन्यूअसली वीडियो आएगा, एक भी दिन नहीं छूटेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को डाउट था ये चीज कि भाई सर और हमको पढ़ा दीजिए, और गाइडेंस दीजिए, इतना में नहीं कंप्लीट हो रहा, जो भी और अप्रोच हो सकता है वो दे दीजिए। भाई स्पेशल टाइम अगर मैं 2-3 घंटा दूंगा तो छोटा सा तो अमाउंट मैंने रखा था कोर्स के लिए, है ना। कोई बात नहीं, जो ले सक रहे हैं वो ठीक है, नहीं ले सक रहे हैं मैं सारा इसमें भी करा रहा हूँ, ऐसा दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। तो जो पेड कोर्स चाहते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये रखा है, 2 घंटे के बाद आई ये वीडियो आने के 2 घंटे के बाद बंद हो जाएगा। जितने लोग भी आएंगे मैं उतने ही को पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा फिर पढ़ाऊंगा भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है और बहुत ज्यादा ये भी नहीं है। तो आराम से पढ़िए, है ना, अगर आपको मन करे तो आ जाइए। चलिए अब चलते हैं आज की क्लास में, क्या है इनकम टैक्स, है ना। देखिए तो सबसे पहले काम क्या, ये आपका जो है कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यू कर भी है ना, ये इसको आप टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये वाला एक्चुअली ये वाला, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे सारा नोट्स भी जो है मैं डाल ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं कि सर आप नोट्स का पैसा ले रहे हैं और ये फ्री में दे रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं सारा चीज फ्री में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और उसके साथ साथ उसके बदले में ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि कोई अगली वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। चलिए नेक्स्ट चलें, आप क्या व्हाट्सएप पे भी कोई क्वेरी कर सकते हो यार, मैंने पूछने के लिए मना नहीं किया, आप चाहो तो ऐसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है मैंने नहीं दिया जवाब, मैं हमेशा भी आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ तो जवाब दे रहा हूँ। चलिए आप लेक्चर नंबर क्या है 32 कर लीजिएगा, इसको 33 नहीं है, क्या है 32 कर लीजिएगा ना, 32 है, ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 32, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, सबसे पहले पढ़ते हैं असेसमेंट ईयर। आप पता है असेसमेंट ईयर कहने का क्या मतलब होता है सर, इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर कहने का मतलब होता है जिस ईयर में हम टैक्स पे करते हैं उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है, एकदम बेसिक्स, एकदम बहुत मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। असेसमेंट ईयर मीन्स, आइए असेसमेंट ईयर मीन्स जिस ईयर में टैक्स पे करना होता है, टैक्स पे करना होता है। यार इससे हिंदी में नहीं लिख सकता, इतना बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है भाई, हिंदी हिंदी हिंदी, अरे भाई इसको हिंदी में कैसे करूं, क्या हिंदी में बताऊं, इतना हिंदी तो बता रहा हूं, अब इससे ज्यादा हिंदी हमसे नहीं हो पाता भाई, क्या करूं। और ये जो असेसमेंट ईयर होता है ये भी कितने मंथ मतलब टाइम का होता है, 12 मंथ्स का पीरियड होता है, कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का पीरियड होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक रहता है, कब तक रहता है, 31 मार्च तक रहता है, ठीक है। इसको सही कर दूं क्या, चलिए 1 मार्च ये हो गया असेसमेंट ईयर। अब उसके बाद क्या है, के बाद जो है उसका ये देखिए क्या बोलते हैं इसको, प्रीवियस ईयर, भैया प्रीवियस ईयर क्या होता है, देखिए जैसा नाम प्रीवियस ईयर मतलब जिस, अगर असेसमेंट ईयर में हम क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम पिछला साल कमाए होंगे तब तो प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम इनकम करते,
इनकम या अर्निंग वाला ईयर होता है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि जिस ईयर में क्या होता है, जिस ईयर, अरे यार ईयर कान वाला ईयर, तो जिस ईयर में अर्निंग होती है, क्या इनकम, इनकम होता है, दोनों में लिख लो इनकम होता है, तो क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर्स। ठीक है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो ये भी क्या अप्रैल से, अप्रैल से स्टार्ट होके ये भी चलता है कहां, मार्च तक। लेकिन सवाल है कि क्या कोई प्रीवियस ईयर सर साल भर से छोटा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे, अब बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में आपने जो है, जरूरी थोड़ी है ना कि हम अप्रैल से कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हो सकता है हमने अगस्त में कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा। क्या किया होगा, अगस्त में कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा। तो भैया बताओ अप्रैल मई, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, ठीक है, यानी कि अगस्त का अब मैं शुरू किया तो चलो तीन महीने लग गया, फिर भी तो कितने महीने का हो गया प्रीवियस ईयर, नौ महीने का। कितने महीने का हो गया, ऐसे देखो, ऐसे इसको समझो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और एक बारह, ठीक है। अब भाई साहब ये अप्रैल में यहाँ, ठीक है, अब हमने बिजनेस कब शुरू किया, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून नहीं, जुलाई भी नहीं, ठीक है, अगस्त में शुरू किया, ठीक है, तो अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, यानी कि चार महीना का चला गया, तो कितना महीना बचा, इधर आठ ही मंथ ना बचा, तो क्या ये आठ आठ महीना पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या बात कर रहे हो सर, एक दिन का गवर्नमेंट टैक्स नहीं छोड़ती है, तो कैसे नहीं लगेगा? तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर कोई भी जो भी होता है वो आपका एक साल से कम भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई जी सर। आप देखिए, मतलब कुछ कुछ ऐसा कंडीशंस है, अब हम लोग उस कंडीशंस की बात करने जा रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा कंडीशंस है जो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई प्रीवियस ईयर में टैक्स कमाओ और असेसमेंट ईयर में पे करो, इसका मतलब कि पिछला साल जो हम लोग कमाए थे वो इस साल पे कर देंगे, उसका टैक्स भरेंगे, यही कहते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा कंडीशंस है जहां पे आप जिस साल कमाइएगा उसी साल पे करिएगा, हो सकता है ना जी सर, हो सकता है। तो आइए वो कंडीशंस पढ़ते हैं, तो आइए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस कहा गया, क्या कहा गया है, एक्सेप्शंस। देखिए मैं ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा रहा हूं ना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस टू द जनरल जनरल रूल, ठीक है, दैट इज टैक्सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर इनकम ड्यूरिंग सेम ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का इनकम अगर हुआ तो प्रीमियर प्रीवियस ईयर में ही हमको क्या करना है, टैक्स देना है। ठीक है जी, अब आइए वो कंडीशंस की बात करते हैं, कौन कौन सा कंडीशंस है, एक एक करके शुरुआत करें, बात समझ में आया कि नहीं। चलिए पहला कंडीशन, ठीक है, पहला कंडीशन वो है कि भैया अगर वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, यानी कि वो नॉन रेसिडेंट बंदा है। अब नॉन रेसिडेंट क्या होता है आगे पढ़ेंगे, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट टेंशन मतलब, पर इतना जान लो कि इंडिया का नहीं है, वो कहीं और का है और वो शिपिंग बिजनेस करता है, तो भैया उस, अब अगर आप सोच लो आज इंडिया में आया कल वो भाग जाएगा जहाज के थ्रू किसी और देश, तो क्या इंडिया में इतना जो रहा बिजनेस किया तो उसका टैक्स नहीं भरेगा? बिल्कुल भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट कहती है ऐसा है, जितना देर के लिए रहा था और जो इतना देर के लिए बिजनेस किया चुपचाप टैक्स भरो तब जाना। तो पहला क्या होगा, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, ठीक है जी। चलिए दूसरा, दूसरा कंडीशन है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, आप जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, ठीक है, और इस पूरा कमा लिया इस साल, मान लेते हैं छह महीना इंडिया में था और दबा के कमाया एकदम 20-30 करोड़ रुपए कमा लिया, और जिसके बाद बोला मैं तो चला विदेश, अपने देश छोड़ दिया, बोला तो गवर्नमेंट बोलेगी तुम ही तेज हो, तुम ही बड़का तेज बन रहे हो,
आओ पहले टैक्स दो उसके बाद जाना अगला साल वाला झंझट नहीं। बोले नहीं आपने तो बोला था, बोलो अरे आप उसके लिए था जो यहाँ रहेगा जो यहाँ से जाएगा उसके लिए टैक्स इसी साल लगेगा। तो इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया चलो तीसरा आप देखते हैं तीसरा क्या कंडीशन है। ठीक है बोल रहा है देखो या तो कोई आपका पर्सन हो क्या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो या कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो या फिर कोई भी हो अगर कोई इवेंट और कोई पर्पस कर रहा है एक टाइम के लिए अरे फॉर एग्जांपल कोई इवेंट तुम करते हो जिसमें से तुम्हें प्रॉफिट होता है मान लो 50 लाख रुपए का वो 3 महीने के लिए इवेंट था और उसके बाद तुम बैठ गए निठल्ले तो गवर्नमेंट का क्या बोलोगे ऐसा है भाई हम उसके बाद हम नहीं देंगे टैक्स गया हो गया। गवर्नमेंट बोलेगी भाई उस समय कमाए हो चुपचाप टैक्स दो। ठीक है तो वही कह रहा है इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या कह रहा है इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और या है ना एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड ए पर्टिकुलर इवेंट फॉर्म्ड ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस और पर्पस अगर कोई किसी पर्पस से कोई इंडिविजुअल या कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ये सारे लोग कुछ पैसा कमाए हैं तो उसी साल में उसको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद ट्रांसफर देखो एक चीज और बताता हूँ ट्रांसफर आराम से समझा रहा हूँ देखना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स देखो ऐसा है गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया ठीक बात समझ में आ रही है जी सर। तो गवर्नमेंट ने अगर प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया तो क्या हुआ कि एक इंसान था जिसकी 3-4 प्रॉपर्टी थी ठीक है अब गवर्नमेंट ने बोला कि दो जगह दो प्रॉपर्टी से ज्यादा पर टैक्स लगेगा। अब उसने क्या करा दो प्रॉपर्टी से टैक्स बचाने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम दिया मान लो 2-3 महीने का टैक्स बचाने के लिए उसने क्या किया आपने दो प्रॉपर्टी को अपने पत्नी के नाम कर दिया अपने किसी और के नाम कर दिया और वो नालायक टैक्स से बचना चाह रहा था। गवर्नमेंट बोली बेटा तुम ही तेज है उसी समय ट्रांसफर करने के टाइम में बोली बेटा ऐसा है कि अगर तुम टैक्स को अवॉइड करने के लिए ट्रांसफर करे हो तो तुमको उसी समय क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा टैक्स। बात समझ में आया तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जब तुम अवॉइड कर रहे हो टैक्स उसके बाद डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अगर कोई बिजनेस हो या प्रोफेशन हो और तुम क्या कर रहे हो प्रीवियस ईयर में ही खत्म कर रहे हो उसको तो भैया तुमको भी क्या बोला गवर्नमेंट बोला तुमको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि ये 5 ऐसे केस हैं ये ऐसे कंडीशंस हैं जब टैक्स पेयर को टैक्स प्रीवियस ईयर्स में ही यानी जिस समय उसका छोड़ के जा रहा है उस समय ही उसको पेमेंट करना पड़ता है। अब इसमें भी एक और कंडीशन है बोलेगा सर कंडीशन पे कंडीशन जी बिल्कुल क्या कंडीशन है कि ऊपर चारों वाला है ना 5 चीज मैंने बताया है ना इस 5 में से 4 चीजों पर ऊपर जो 4 है 1, 2, 3, 4 तक टैक्स आपको प्रीवियस ईयर्स में पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई डिसकंटिन्यू किया बिजनेस या प्रोफेशन को और उसको असेसमेंट ऑफिसर जानता है अभी असेसमेंट ऑफिसर कौन है भैया जो टैक्स असेस करके बताता है कि आपका इतना टैक्स हुआ तो असेसमेंट ऑफिसर अगर उसको जानता है उस बिजनेस पर्सन को या प्रोफेशन वाले को तो वो चाहे तो वो उसको रिलैक्सेशन दे सकता है कि भैया कोई बात नहीं आप अगले साल टैक्स का पेमेंट कर दीजिएगा। बात समझ में आया तो ये किसके केस में ये फिफ्थ वाले केस में बाकी और सबके केस में आपको उसी टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आई कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताइए नहीं सर यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुए। चलिए
अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि भैया क्या हुआ रेसिडेंशियल स्टेटस, किसी कब बोलेंगे कि हम रेसिडेंशियल हैं इंडिया के, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं क्या बोलता है, रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब ये हम इंडिया के हैं कि बाहर के हैं। तो किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए कैसे पता चलेगा, है ना, सवाल तो है जी। तो देखिए उसके लिए कंडीशंस है, क्या क्या कंडीशंस है, आइए पहले देखते हैं और फिर एक एक करके बात करते हैं। चलिए एक है रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब एक है रेसिडेंट इन इंडिया, जो इंडिया के हैं, रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। और दूसरा है नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, और अब तीसरा भी निकला हुआ है डीम्ड टू बी रेसिडेंट, लेकिन ये अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, पढ़ाऊंगा इसको आराम से, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि रेसिडेंट इन इंडिया के लिए क्या बेसिक कंडीशन है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। रेसिडेंट कहने का मतलब है कि भैया वो इंडिया में रहता हो, यही सिंपल सा चीज है, इसमें लॉजिक बताने की कोई चीज है नहीं। तो आइए पहले हम चलते हैं रेसिडेंट इन इंडिया पे, बोला टू बेसिक कंडीशन होना चाहिए रेसिडेंट होने के लिए, क्या क्या, टू बेसिक कंडीशन क्या क्या, पहला कंडीशन, चलो पहला कंडीशन बोला जो पर्सन इंडिया में कम से कम 182 दिन प्रीवियस ईयर में रहा हो, लिव्स इन इंडिया 182 डेज और मोर, अगर प्रीवियस ईयर्स में ये 182 दिन रहा हो तो एक कंडीशन ये बोला भैया अगर कोई रेसिडेंट, कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल जो है अगर पिछला साल में 182 दिन रहा हो तो आप उसको मान लेंगे कि वो क्या है, रेसिडेंट इन इंडिया है। चलिए दूसरा कंडीशन की बात करते हैं, बोला अच्छा एक तो ये, या फिर अगर 182 दिन ना रहा हो तो 60 डेज कम से कम रहा हो प्रीवियस ईयर्स में, 60 डेज रहा हो प्रीवियस ईयर्स में, और उसके बाद 365 डेज रहा हो लास्ट इन फोर प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग मतलब मैं समझा दूं, चलिए समझा दूं। देखो सबसे पहला चीज, पहला कंडीशन क्या है आपका रेसिडेंट होने के लिए, कि भैया प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहा हो, मतलब पिछला साल 182 दिन कम से कम कोई भी इंसान रहा हो उसको रेसिडेंट मान लेंगे। दूसरा क्या बोला कि 60 दिन रहा हो किसमें, पिछला साल, और 365 दिन रहा हो पिछला साल के चार पिछले साल में, मतलब कितना 365 दिन का चार पिछला साल क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अभी कितना है, अभी तो है 2023, ठीक है, तो ये कह रहा है कि 2022 में जो है वो रहा हो कितना 60 दिन, और 2022 से पहले यानी 2021 से लेकर पीछे चार साल में 365 दिन रहा हो, कितना दिन रहा हो 365 दिन रहा हो, तो इसको मान लेंगे क्या है, रेसिडेंट। ये दो कंडीशन है, अगर टू बेसिक क्या है आपके रेसिडेंट के कंडीशन, ये दो बेसिक कंडीशन कि 182 दिन रहा हो इंडिया में और प्रीवियस ईयर में, और 60 दिन प्रीवियस ईयर का रहा हो, और उस 365 दिन रहा हो प्रीवियस ईयर से चार साल पहले वाले ईयर में 365 दिन रहा हो, चलिए तो ये मान लेंगे हम क्या है कि रेसिडेंट है। तो अब क्या सर दोनों कंडीशन का कंपलसरी रेसिडेंशियल के लिए, नहीं, कोई एक हो या दोनों हो जाए तो मस्त है, क्या दोनों, ये क्या दोनों। चलिए अब क्या बोल रहा, अब देखो इस बेसिक कंडीशन का भी एक्सेप्शन है, अपवाद है,
एक्सेप्शन ऑफ बेसिक कंडीशन। आ जाओ क्या देखते हैं। पहला बोल रहा है कि वैसे बेसिक कंडीशन में क्या है, नॉर्मल तरीका है कि भैया दोनों में से कोई भी हो चलेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें सिर्फ 182 डेज वाला ही रूल है वो लागू होगा। तो सिर्फ एक्सेप्शन में क्या होगा कि सिर्फ 180 डेज वाला रूल ही लागू होगा। एक्सेप्शन में ओनली 180 डेज रूल अप्लाइड, ठीक है, जो एक्सेप्शन है। अब क्या एक्सेप्शन है आइए उसको देखते हैं। पहला एक्सेप्शन, देखो जो पर्सन बींग अ पर्सन सिटीजन इन इंडिया, बींग अ पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स, जो छोड़ चुका है लीव इंडिया प्रीवियस ईयर में, लीव्स इंडिया प्रीवियस ईयर, मतलब एक पर्सन जो इंडिया का सिटीजन था लेकिन पिछला साल इंडिया छोड़ चुका है, कौन कौन से रीजन से, जॉब पर्पस से, और किस पर्पस से, या फिर वो मेंबर है, मेंबर ऑफ क्रू है ना इंडियन शिप का, तो इन दोनों के केस में उसको 182 वाला रूल कंपल्सरी है, वो उसके लिए 60 डेज वाला रूल नहीं है। पहला, दूसरा क्या है, बोल रहा है या तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया का, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और इंडियन ही ओरिजिन का अगर हो, ओरिजिन इंडियन ओरिजिन का हो तो भैया उसको भी 182 दिन वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब भैया इंडियन ओरिजिन कहने का क्या मतलब है कि जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है वो खुद, उसके मम्मी पापा और उसके नाना नानी या दादा दादी, इतना लोगों के बीच में वो उसको इंडिया में होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या ये इंडियन ओरिजिन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन मतलब इंडिया का है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, 1947 के बाद उसके दादा दादी, उसके नाना नानी और वो खुद पर्सन जो है उसका जो 1947 से इंडिया में होना चाहिए, को बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया के ओरिजिन का ये पर्सन कहलाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको 180 डेज वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आया, सब बेसिक चीज है, टू कंडीशन रेसिडेंट के लिए, एक तो 182 दिन वाला और दूसरा 60 दिन वाला, लेकिन कुछ ऐसा एक्सेप्शन है इसका क्या, जिसमें सिर्फ 182 दिन वाला रूल रहेगा, वो ये दो रूल बता दिया मैंने। चलिए अब चलते हैं क्या, अब चलते हैं नॉन रेसिडेंट पर, दूसरा चलते हैं नॉन रेसिडेंट पर। भैया नॉन रेसिडेंट कौन कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट वही कहलाएगा जो रेसिडेंट, जो दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, बोथ बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा है ना, कौन बेसिक कंडीशन, ये वाला, जो ये दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, ये दोनों इसको कह देंगे नॉन रेसिडेंट, क्या कह देंगे नॉन रेसिडेंट, ठीक है जी। चलिए और अब क्या ऐड हो गया है, अब दूसरा कि जो पर्सन डीम्ड टू बी रेसिडेंट भी नहीं होगा, डीम्ड टू बी रेसिडेंट नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आया जी। तो ये चीज दोनों वाला जो है वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। सर सवाल तो मन में आ ही रहा है, सर डीम्ड टू बी रेसिडेंट कौन होगा, चलिए ये भी देख लीजिए, उसके बाद में ऑर्डिनरली और नॉन ऑर्डिनरली पे आऊंगा। तीसरा, डीम्ड टू बी रेसिडेंट, ठीक है,
बात समझ आ रही है? पहला रेसिडेंट, दूसरा नॉट रेसिडेंट, तीसरा डीम्ड टू बी रेसिडेंट। अब रेसिडेंट होने का दो कंडीशन बेसिक, ठीक है, और उस बेसिक कंडीशन जो दोनों में या तो एक हो जाए या दोनों अप्लाई हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा एक्सेप्शन जिसमें सिर्फ 182 दिन वाला अप्लाई होगा, वो तो था क्या, रेसिडेंट का। नॉन रेसिडेंट में कुछ नहीं है कि भैया बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट हो गया। अब आ जाओ डीम्ड टू बी रेसिडेंट में। डीम्ड टू बी रेसिडेंट क्या बोलता है? बोलता है एक तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए पहला। उसके बाद बोला कि इसका फॉरेन इनकम मतलब अदर देन इंडियन इनकम, सॉरी अदर देन फॉरेन इनकम, अदर देन फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम कितना हो, इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख हो, कितना हो 15 लाख। कैसे कर सकते हैं 15 लाख, ठीक है ना, बात समझ में आया जी उसको। और वो जो इसका इनकम हो वो किसी और कंट्री में पे नहीं कर रहा हो, मतलब इफ ही इज नॉट लायबल फॉर टैक्स इन एनी, और किसी भी कंट्री में वो टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हो, थोड़ा ही इज नॉट लायबल फॉर पे टैक्स इन एनी कंट्री। राइटिंग में जाना, जो बोल रहा हूं उसको लिखते चले जाओ, है ना, चलो इसको बोलेंगे डीम्ड टू बी रेसिडेंट। बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बताओ। नहीं, यहां तक तीन ही चीज बताया, रेसिडेंट के लिए दो कंडीशन, नॉट रेसिडेंट के लिए एक भी कंडीशन नहीं क्योंकि नहीं अप्लाई होगा, और डीम्ड टू बी रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशन, सिंपल कि 15 लाख रुपए जो है वो जिसका इंडियन इनकम होगा फॉरन इनकम के अलावा, और प्लस वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्लस और क्या, वो जो है वो किसी भी कंट्री में उसका टैक्स नहीं लग रहा हो, तो फिर क्या होगा, तो बोला इंडिया वाला भैया हमको दे दो, हम तुम्हारा टैक्स ले लेंगे। और ये कब से इफेक्ट में आया है, इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं, रेसिडेंट दो तरीके का, कौन, एक तो ऑर्डिनरली रेसिडेंट, दूसरा नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। आइए ध्यान समझिएगा, रेसिडेंट भी अब दो तरह का है, रेसिडेंट भी दो तरह का है, सवाल पूछा जाता है इसलिए ध्यान से समझना। एक है ऑर्डिनरली रेसिडेंट और दूसरा है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बात समझ में आई जी सर? अब यहां ऑर्डिनरली रेसिडेंट कौन होगा, ये बात ध्यान से समझो। ये बोला कि जो बेसिक कंडीशन है, वो दो कंडीशन था ना, बेसिक कंडीशन वो एक होना चाहिए, बोला एक बेसिक कंडीशन एंड दो एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, तो फिर ये कहलाएगा क्या, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो बेसिक कंडीशन तो पता है आपको, दो 182 दिन वाला और 60 दिन वाला, दोनों में से कोई एक भी लगेगा चलेगा, बेसिक कंडीशन। और एंड लिखा हुआ है, ध्यान देना, और नहीं लिखा हुआ है या नहीं, दोनों चाहिए इसमें, और दो एडिशनल कंडीशन। अब एडिशनल कंडीशन क्या, पहले ये देख लेते, आई एडिशनल कंडीशन क्या है, आई पहला तो सेव कर लेता हूं ताकि टाइम लेगा थोड़ा। चलो एडिशनल कंडीशन बोला कि पहला एडिशनल कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर से पहले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट रहा हो, यानी इंडिया में। फिर से लिखूं, प्रीवियस ईयर से पहले, ठीक है, प्रीवियस ईयर से पहले 10 साल में से, लो हिंदी में लिख दे रहा हूं, 10 साल में से 2 साल इंडिया में रहा हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर से
पहले पहले 7 साल में, 7 साल में 730 दिन, 730 दिन इंडिया में रहा हो, देख रहे हो क्या क्या हुआ एडिशनल कंडीशन बता दूं। देखो ध्यान से, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन कहलाएगा? पहला एक बेसिक कंडीशन और दोनों में से कोई एक, 82 दिन वाला या 60 दिन वाला, जी दो एडिशनल कंडीशन उसके साथ और होना चाहिए। क्या क्या? कि प्रीवियस ईयर, मान लो देखो 2023 क्या है, असेसमेंट ईयर, पिछला साल 2022 था वो था प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर से पहले 10 साल चल जाओ 2012, 2012 में से 2 साल इंडिया में रहा हो, 2 साल कोई भी रहा हो तो चलेगा। प्लस दूसरा, प्रीवियस ईयर से पहले 7 साल में, 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहा हो, तो ये दोनों कंडीशन प्लस एडिशनल कंडीशन, इसको बोलो दोनों एडिशनल कंडीशन प्लस एक बेसिक कंडीशन जो फुलफिल करेगा उसको बोलेंगे ऑर्डिनरली रेसिडेंट। बात समझ में आ गया? जी सर। नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट किसको बोला जाएगा? बोल रहा है ओनली वन, क्या बोल रहा है? ओनली वन एडिशनल कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एडिशनल कंडीशन और नो कंडीशन, नो कंडीशन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है, तो उसको बोल देंगे नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो ऑर्डिनरली आ गया ना, मतलब रेसिडेंट आ गया, तो भैया रेसिडेंट कैसे हो जाएगा? तो इसी को कहा गया है, इसी का दूसरा नाम दिया गया डीम्ड टू बी रेसिडेंट, डीम्ड टू बी रेसिडेंट। और जो रूल यहां पे दिखा गया ना 15 लाख वाला, वही रूल यहां भी अप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये रेसिडेंट रेसिडेंशियल स्टेटस किसके लिए था? सर ये इंडिविजुअल के लिए था, किसी एक इंसान के लिए था, है ना, ये देखो मैंने पहले ही लिख दिया है, ये इंडिविजुअल के लिए। अब जो है फर्म बीओ, मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन, सॉरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसके लिए क्या है ये देखिएगा, आइए चलते। इसके लिए फर्म के लिए, बीओआई के लिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसके लिए क्या रूल है देखिएगा। अगर मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है, इफ मैनेजमेंट का कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल इज होली, मतलब पूरा और पार्टली, इज इफ मैनेजमेंट कंट्रोल इज होली और पार्टली इज फ्रॉम इंडिया, पार्टली फ्रॉम इंडिया, तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको कह देंगे रेसिडेंट। और जो नहीं है, नहीं है, उसको कहेंगे नॉन रेसिडेंट। सिंपल, मतलब अगर इसको हम एक बात में समझाते हैं कि भैया इंडिया में कंपनी चल रही है, थोड़ा होली भी या पार्टली भी, थोड़ा सा भी अगर ऑपरेशन इंडिया से चल रहा है, तो उसको हम बोल देंगे क्या, उस फर्म को, उस बीओआई को, उस आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, उसको हम बोल देंगे कि वो रेसिडेंट कहाँ का है, इंडिया का है, ठीक है, ये हो जाएगा रेसिडेंट। यस रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ठीक है, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट में है ना, ठीक है, चलो हो गया जी। कंपनी के केस में, अगर कंपनी के केस में हम बोलें, कंपनी पहला था इंडिविजुअल रेसिडेंट, दूसरा था क्या, फर्म, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और तीसरा है कंपनी। अगर कंपनी के केस में बात करें तो इंडियन कंपनी है, या नॉन इंडियन कंपनी, तो ये तो नाम से पता चल जा रहा है, अगर इंडियन कंपनी है तो भैया रेसिडेंट है, सिंपल ऑलवेज, ये क्या होगा, रेसिडेंट ऑलवेज, इंडियन कंपनी है ना, हेलो चलो
रेसिडेंट ऑलवेज, कभी कभी ना आवाज चली जाती है, ठीक है। ये अब देखेंगे कि नॉन इंडियन कंपनी जो है उसका POEM कहाँ है। POEM सर क्या होता है सर, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, की वो मैनेजमेंट का कंट्रोल उसका कहाँ है। अगर इंडिया से कंट्रोल है, इंडिया से कंट्रोल है तो इसको बोलेंगे रेसिडेंट, और अगर इंडिया से कंट्रोल नहीं है POEM ये क्या बोलते इसको प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर इंडिया से नहीं है तो ये हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। बात समझ में आया यार, जो चीज लिखा हुआ नहीं है उसको लिख लेना तुम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में बोल दिया ना इसको लिख लेना, ठीक है। चलो ये हो गया कहानी खत्म। तो इतना रेसिडेंशियल स्टेटस और नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस का कहानी आता है। इसका क्वेश्चन देखना, बनाना, कोई दिक्कत है तो फिर मुझे बताना, ठीक है। तो आज इतने ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम एग्रीकल्चर इनकम शुरू करेंगे और फिर डिडक्शन शुरू करेंगे और फिर फाइनली जाके सैलरी की शुरुआत करेंगे, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।